नमस्कार, क्राइम रिपोर्टर सीरीज में आपका स्वागत है। मैं नीचा सरोज आई नजर डालते हैं आज कुछ खास खबरों पर। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में मृत बाघिन का दूसरा शवल पार्क प्रबंधक ने ढूंढ निकाला। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में रविवार को मृत बाघिन के दूसरे लापता शावक को पार्क प्रबंधक ने ढूंढ निकाला, जो दो दिन की कड़ी मशक्कत के बाद 9 माह के शावक को कलवाहा रेंज में देखा गया, जहां उसे वन्य जीव चिकित्सक द्वारा ट्रैंकोलाइज कर बेहोश किया गया और पिंजरे में डालकर बहेराहा इनक्लोजर में छोड़ दिया गया। पार्क प्रबंधक की माने तो बाघ शावक पूरी तरह स्वस्थ है। वहीं उमरिया के सामान्य वन मंडल के एक और बाघ शावक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मंगलवार की देर रात गुनगुटी परिक्षेत्र के मजगांव बीट अंतर्गत पहाड़िया में बाघ शावक का शव मिला। जानकारी के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। डॉग स्क्वाड की मदद से घटनास्थल की जाँच की गयी। आपको बता दें, बाघ दिवस के ठीक एक दिन पूर्व बांधवगढ़ में बाघिन T62 के नर शावक की मौत हो गयी। वही सामान्य वन मंडल में तीसरे बाघ शावक की मौत से बाघ संरक्षण की दिशा में किए जा रहे हैं वही प्रयासों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें, एक दिन पूर्व प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा प्राप्त हुआ है। ऐसे में बाघों की लगातार मौत वन विभाग के लिए चुनौती है। जानकारों ने इस घटना के पीछे लापरवाही का आरोप लगाया है। प्रारंभिक उसमें आ रहा है क्योंकि मेल टाइगर जो होता है वो हमेशा बच्चों को मार देता है फीमेल को, क्योंकि उसका ये टाइम है, मेटिंग का टाइम है टाइगर के। तो उस मेटिंग के उसमें, क्योंकि जब तक टाइगर के टाइग्रेस के पास बच्चे रहते हैं तब तक वो मेटिंग के लिए तैयार नहीं होती। अभी दो दिन पहले ही मध्य प्रदेश को बाघ स्टेट का दर्जा मिला है। कर्नाटक दो बाघों के साथ 524 में था और 526 में मध्य प्रदेश था। आज एक हफ्ते के अंदर 3 बाघों की मौत हो चुकी है, इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, बाघों को चूँकि काउंटिंग में सब एडल्ट्स को नहीं काउंट किया जाता है, इनकी काउंटिंग एडल्ट बाघ ही काउंट किया जाता है, उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और कुछ अभी भी स्टिल बहुत सारा एरिया है जो जहाँ पे काउंटिंग इस क्षेत्र में पूरी नहीं हो पाई। तो क्या ऐसा हो सकता है कि मध्य प्रदेश से वो जो बाघ स्टेट का दर्जा है वो छिन जाए, क्योंकि एक हफ्ते में 3 बाघों की मौत हो चुकी है? बाघ नहीं, सब एडल्ट हैं और स्टेट, क्योंकि यहाँ पे बहुत नेचुरल हैबिटेट बहुत अच्छा है बाघ का, और निश्चित रूप से यहाँ पे जिस तरह से हम लोगों ने सघनता के साथ पेट्रोलिंग और इनके शिकार पे अंकुश लगाया है, निश्चित रूप से हमेशा बाघों की संख्या बढ़ेगी ही, घटने का प्रश्न ही नहीं उठता। बांधवगढ़ में T33 जो है वो भी गंभीर रूप से घायल है लड़ाई को लेके एक दूसरे बाघ से लेके, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भी मतलब गंभीर रूप से तकलीफ में हो या बीमार हो? इसके बारे में, चूँकि बांधवगढ़ का है उसके बारे में मुझे बहुत आइडिया है, साहब लोग ही ज़्यादा बेहतर वहाँ के प्रबंधन बता सकते हैं। एक कंजर्वेशनिस्ट होने के नाते, एक गाइड होने के नाते मुझे भी कल बहुत दुख हुआ जब पता लगा कि कल ही हमें टाइगर स्टेट का दर्जा मिला है जिसे हमने काफ़ी पहले खोया था, और कल ही वर्ल्ड टाइगर डे के दिन हमारे यहाँ 3 बाघों की मौत अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वर्चस्व की लड़ाई टेरिटोरियल फाइट से हो गई, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें देखिए, इस समय पार्क बंद है और पार्क प्रबंधन यदि अपनी कार्य क्षेत्र में समर्पित है और बचाने का काम करे तो निश्चित रूप से बचाया जा सकता था, किंतु जो बाघों की संख्या बढ़ रही है उसके लिए जो सबसे बड़ी कमी है वो जंगल क्षेत्र का लगातार घटना है। उमरिया से राजेंद्र मिश्रा की एक रिपोर्ट।